नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं गौरी द्विवेदी। आज बात करते हैं कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम को अपना एक कोच, नया कोच 13 अगस्त तक मिल पाएगा। अभी इस तरह से लग रहा है कि शायद 13 अगस्त की डेडलाइन मीट करना मुश्किल है, और उसका कारण ये है कि BCCI को के जो CEO हैं राहुल जौहरी, उन्होंने पत्र लिखा है CAC को, जो कि एडवाइजरी कमिटी है, और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो CAC के मेंबर्स का, उसके बारे में जब तक स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब पहले हम बताते हैं आपको कि इस CAC में कौन कौन है। कपिल देव हैं, अंशुमन गायकवाड़ हैं और शांतरंगा स्वामी हैं। और अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आता है? कोई भी अगर आप पूर्व खिलाड़ी देख लें तो वो या तो क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, या उनकी कमेंट्रीज होती हैं, या कहीं ना कहीं उनके कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स होते हैं। और राहुल जौहरी ने इसके ऊपर एक क्लेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण जिसे कहते हैं, वो मांगा है। अब जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो 13 अगस्त की जो डेडलाइन थी इस वक्त, उसे मीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और जब तक हेड कोच का चयन नहीं होगा तब तक जाहिर सी बात है बाकी कोच का भी चयन नहीं होगा। बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपी, जो सारा सपोर्ट स्टाफ जिसे कहते हैं, उन सब का चयन भी अब है वो डिले हो जाएगा। अभी हम बता देते हैं कि अभी रवि शास्त्री जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, बट क्योंकि वेस्टइंडीज के टूर पे भारतीय क्रिकेट टीम गई है तो इसलिए उनको एक 45 दिन का एक्सटेंशन मिला है, और जाहिर सी बात है बाकी की टीम को भी मिला है, बाकी के सपोर्ट स्टाफ को भी। बट वो जब खत्म हो जाएगा, 13 अगस्त की जैसा मैंने आपको कहा डेडलाइन थी, और 30 जुलाई जो थी वो आखिरी डेट थी जिस पे इन लोगों ने मांगे थे लोगों से उनके इंटरेस्ट। बट जैसा कि मैंने कहा कि जो सारी की सारी प्रक्रिया है वो डिले हो सकती है, इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि कहीं रवि शास्त्री को शायद उनको और कुछ समय क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, क्योंकि राहुल जौहरी का पत्र जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक आगे की बात नहीं होगी। अब जान देखने वाली बात यह होगी कि इतने बड़े जो खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़, शांतरंगा स्वामी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्या ये बात यहाँ से बढ़ने वाली है, क्या ये विवाद यहाँ से बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। और आपका क्या इसके ऊपर व्यू है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।